अगर आप टैक्स पेयर हैं और स्पेशली अगर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जो सरकार ने 2024 के आम बजट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था टैक्स, उसको जो है उसमें से इंडेक्सेशन को हटा दिया था, इंडेक्सेशन को हटा करके और स्लैब कर दिया था 12.5% टैक्स, जो कि पहले होता था 20। यहाँ पर मैं बता दूँ, इंडेक्सेशन को उसमें से रिमूव कर दिया गया था, जिससे कि जो लोग लॉन्ग टर्म में अपनी प्रॉपर्टी को रोक करके सेल करते हैं उस पर उनको लॉस होने का, टैक्स ज़्यादा पे करने की लायबिलिटी बनने लगी थी। लेकिन सरकार ने इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ पब्लिक का, तो उसको वापस ले लिया है, यू टर्न ले लिया है। अब सरकार ने जो है इंडेक्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि 20% आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पे करेंगे और आप इंडेक्सेशन को भी कैलकुलेट करके उसमें से डिडक्ट करने के बाद आप 20% पे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इंडेक्सेशन क्यों ज़रूरी है और आखिर है क्या इंडेक्सेशन, जिसकी वजह से इतना जो विवाद हो रहा था इस चीज़ को लेकर और इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, जो टैक्स को टैक्स तो रिड्यूस कर दिया था 12.5%, लेकिन उसमें से जो इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट होता था उसको हटा दिया था कि वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ समझ लीजिए, इंडेक्सेशन का मतलब है इन्फ्लेशन एडजस्टर। इन्फ्लेशन एडजस्टर का मतलब है जैसे आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और 4 से 5 साल उसको रोक करके बेचते हैं, तो आपने कोई प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की ली और 5 साल बाद उसको आपने 80 लाख रुपये में बेचा, तो जो 50 की आपने ली 80 की, तो 30 लाख रुपए आपका जो गेन हुआ, जो एक्स्ट्रा आया जितना आपने इन्वेस्ट किया था, उस पर जो है जो सबसे पहले आप उस गेन पर इंडेक्सेशन कैलकुलेट किया जाता था, जो पहले कॉन्सेप्ट था कि जितना भी इन्फ्लेशन चल रहा है, जैसे कि इस साल जो इन्फ्लेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास है, तो 5% के हिसाब से इस साल कैलकुलेट हो गया, पिछली लास्ट ईयर कुछ और रहा होगा इन्फ्लेशन रेट, तो ये ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट जितना भी है उसको कैलकुलेट करने के बाद उस गेन में से यानी 30 लाख में से आप उसको डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो था पुराना कॉन्सेप्ट जिसको सरकार ने हटा दिया था उसमें से इंडेक्सेशन, और वहाँ पर कर दिया था 12.5% के, आपका कितना भी गेन हो जितने की आपने प्रॉपर्टी, उसमें जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो इंडेक्सेशन डिडक्ट होता था वो नहीं होगा, आपको 12.5% पे करना होगा। तो इसमें जो टैक्स पेयर थे उनको लायबिलिटी टैक्स की ज़्यादा बन रही थी और लॉस हो रहा था कि भाई किसी ने 5 साल रोका और इन्फ्लेशन तो ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, तो उस हिसाब से तो उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस पर जब क्रेडिशन हुआ तो सरकार ने उस पर यू टर्न लेकर के उस वाले कॉन्सेप्ट को वापस से उसको जो रिमूव किया था उसको रिटेन कर दिया है, और साथ ही साथ एक और ऑप्शन दे दिया है कि टैक्स पेयर चाहे तो 20% वाले स्लैब जिसमें कि इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता है उसको भी उसके थ्रू भी टैक्स को पे कर सकता है, मतलब उसको कंसिडर कर सकता है, और चाहे तो 12.5% वाले को भी चूज कर सकता है। तो अब आपके हाथ में है, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, चाहे आप 12.5% वाले से कैलकुलेट करें अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या घर सेल कर रहे हैं और आपको लगता है कि 12.5% वाले में आपको टैक्स ज़्यादा सेव हो रहा है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि 20% वाले में जिसमें कि इंडेक्सेशन कैलकुलेट होता है यानी इन्फ्लेशन एडजस्टर, यानी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होती है उसमें डिडक्ट करने के बाद आपको कम टैक्स लायबिलिटी बन रही है, वहाँ आपका टैक्स ज़्यादा सेव हो रहा है, तो आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो टैक्स पेयर और मिडिल क्लास के फेवर उन्होंने लिया है, तो रियली थैंकफुल फॉर दी गवर्नमेंट फॉर दिस गुड डिसीजन। आफ्टर ऑल मिडिल क्लास को एक राहत है छोटी सी कि चलो उसने कोई प्रॉपर्टी लिए है और उसे रोकता है 4-5 साल लॉन्ग टर्म में, तो उसको ये जो इंडेक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें फ़ायदा होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये अपडेट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।